दोस्तों फिर से स्वागत है सभी को और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज का इस वीडियो आपको बताऊंगा गूगल फोटोज से कोई भी फोटोज आपका डिलीट हो गया तो दोस्तों इसको रिकवर कैसे करें। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, क्या दोस्तों आपका भी गूगल फोटोज में आप फोटोज वगैरह रखते थे, कुछ भी फोटोज वगैरह आपका डिलीट हो गया है या आपके फोन गैलरी से भी कुछ फोटोज वगैरह डिलीट हो गए उसको भी आप रिकवर कर पाओगे। दोस्तों आपने सही सुना है, दोस्तों ऐसा हो जाता है कभी कभी आपका फोन डेड हो गया, इस फोन कभी कभी चोरी हो जाता है या आपका फोन कभी कभी मतलब कहीं पे खो जाता, तो इसके वजह से आपका फोन में जितने भी डॉक्यूमेंट जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट फोटोज वगैरह आपका डिलीट हो जाता है, आप फिर से वापस नहीं ले सकते हो। लेकिन दोस्तों आज ऐसा कमाल का एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिस ट्रिक को अगर आपने किया उसके बाद आपका जितने भी फोटोज वगैरह है फुल सिक्योर रहेगा और फिर से आप बैकअप कर पाओगे और जितने भी पुराना हो 5, 10, 15 साल भी जितने भी आपके फोटोज वगैरह डिलीट हो जाएगा फिर से आप उसी को आप रिकवर कर पाओगे जीमेल के अंदर। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, तो दोस्तों आप भी सीखना चाह रहे हो या करना चाह रहे हो इसी तरह का ट्रिक को अप्लाई, तो दोस्तों आप सही वीडियो पे कोई भी दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों स्वागत है सभी को हमारे चैनल एफसी ज्ञान में, मैं हूं निशा। तो दोस्तों हम बिना टाइम के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी हम हमारे फोन स्क्रीन पर आ गए, दोस्तों आप देख सकते हो तो किस तरह से मैं इसे अभी रिकवर करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसी खुशी में अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आप जो हमारे वीडियो देख रहे हो सबसे पहले इसी खुशी में वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं जल्दी से सब्सक्राइब का बटन में दबा के सब्सक्राइब करके साइड में घंटी का बेल आएगा ये आपको ऑल में जरूर दबा के रखना होगा। इसके नीचे साइड पब्लिक कमेंट का आपको भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जैसे भाई लोगों ने कमेंट किया आपको भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना गूगल फोटोज रिकवर, तो दोस्तों ये कमेंट आपको जरूर कर देना। आप जैसे कमेंट कर देंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से कमेंट हो जाएगा गूगल फोटोज रिकवर। तो अभी हम डायरेक्ट बैक कर देंगे और वीडियो के टॉपिक पर चला जाएंगे सिंपल तरीके से। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, हम गूगल फोटोज को कर लेते हैं ओपन। तो दोस्तों अभी अपना गूगल फोटोज को ओपन कर लीजिए और अपडेट वगैरह नहीं किया तो सिंपल तौर पर अपडेट वगैरह कर लीजिए। तो आप जैसे ओपन करेंगे दोस्तों कौन सा सेटिंग है अभी ध्यान से वीडियो को देखिए। तो हम जैसे गूगल फोटोज को ओपन करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो ऊपर में देख सकते हो दोस्तों, आपको जो ऊपर में देख सकते हो दोस्तों ऊपर में एक ऑप्शन आएगा लोगो, जो आपका प्रोफाइल का लोगो आएगा गूगल फोटोज का, आपका जीमेल का लोगो आएगा, जो जीमेल से आप बैकअप लेना चाहते हो बैकअप करना चाहते हो उस जीमेल को आपको जिस से ऊपर में टैप कर लीजिए। और जैसे टैप कर लेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आ जाने के बाद दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपका जो जीमेल है, बहुत सारा जीमेल आपका रहता है, जो जीमेल है जिस जीमेल से आप बैकअप करना चाहते हो उसी जीमेल को आप रख लीजिए। तो सिंपल तौर पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और इसके नीचे आपको आएगा एक फोटो सेटिंग का। दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखिए मैं क्या बता रहा हूँ और क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बिना स्किप ये। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोटो सेटिंग, ये जो फोटो सेटिंग ऑप्शन आएगा फोटो सेटिंग में आपको चला जाना है। और फोटो सेटिंग में चला जाने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड सिंक। तो आपको ये जो बैकअप का ऑप्शन में सिंपल जैसे आपको बैकअप ही अगर ऑफ रहेगा आपके फोन में तो ये बैकअप आपके फोन में ऑफ रहेगा, सिंपल जैसे ये आपको ऑन कर देना। आप जैसे ऑन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो ऑन कर देने के बाद दोस्तों अभी नीचे में आ जाना है थोड़ा, और नीचे में आ जाने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड साइज। तो आपको मतलब इसका मतलब ये अपलोड साइज, ये जो तीन सेटिंग आपको इधर करना पड़ेगा, ये जो अपलोड साइज है ये अपलोड साइज आपको क्लिक कर देना सिंपल तरीके से। और जैसे क्लिक करने के दोस्तों आपको ओरिजिनल क्वालिटी आएगा, स्टोरेज सेवा रहेगा और एक्सप्रेस रहेगा। एक्सप्रेस का मतलब है ये लो क्वालिटी आएगा और स्टोरेज सेवर ये थोड़ा रिड्यूस क्वालिटी में आएगा। और ओरिजिनल क्वालिटी में रखना चाहते हो बैकअप को तो सिंगल तौर पर आप ये ओरिजिनल क्वालिटी पर रख लीजिए और सिंपल तरीके से बैक कर दीजिए। और बैक कर देने के बाद फिर से आपको एक ऑप्शन आएगा, ध्यान से देखिए मोबाइल डाटा यूजर्स, ये जो मोबाइल डाटा यूजर्स का ऑप्शन आएगा दोस्तों ध्यान से देखिए मोबाइल डाटा यूजर्स ये आपके फोन में अनलिमिटेड में रहेगा। तो आपको अनलिमिटेड नहीं, आपको बहुत ऑप्शन आ जाएगा 5 MB, 10 MB, 30 MB, तो आपको 30 MB में रख लेना है। इसका मतलब है आपके फ़ोन में जितने भी नेट वगैरह 1 GB, 2 GB या 1.5 GB जितने भी आप उससे यूज़ करोगे तो आपके फ़ोन में 30 MB तक रखना होगा ये मेरे तौर पे। तो अनलिमिटेड में रखेंगे आपके फ़ोन में जितने भी डाटा वगैरह है अनलिमिटेड आ जाएगा। और जितने भी आप फोटोज़ वगैरह को अपलोड करेंगे मतलब ये जो बैकअप रखेंगे गूगल फोटोज़ में आके अपलोड हो जाएगा और आपका नेट यूज़ होगा। तो 30 MB तक रखेंगे तो आपका सेफ रहेगा, तो ये 30 MB तक रख लेना है। फिर से आपको थर्ड वाला ऑप्शन आएगा बैकअप डिवाइस फोल्डर, ये बैकअप डिवाइस का ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों आपको बहुत सारा आपका फ़ोन में जितने भी फोल्डर वगैरह गैलरी का आपका फाइल का जब सब फोल्डर आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपको सब इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपका जो इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपका मतलब इंपॉर्टेंट फोटोज़ वगैरह रहता है
वो सब आप इनेबल कर दीजिए, वो सब आप टैप कर लीजिए सिंपल तरीके से। मान लो मैं डाउनलोड करके, एक ऑप्शन है डाउनलोड पे मेरा इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह है, तो आपको जिस तरह सिलेक्ट कर लेना जहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह रहता है। सिंपल तरीके से मान लो व्हाट्सअप इमेज में आता है आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स है, तो जो भी आप इनेबल कर लीजिए। ज़्यादा करेंगे तो आपका ज़्यादा एमबी जाएगा, मतलब ज़्यादा बैकअप लेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जो आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह है ये आप इनेबल कर लीजिए। और इलेवल कर देने के बाद दोस्तों आप इसका, इन तीन सेटिंग से आपका यही मतलब है दोस्तों, आप जैसे ही कुछ भी आप फोटोज़ वगैरह यूज अपलोड करेंगे, फोटोज़ वगैरह खींचेंगे, तो आपके फोटोज़ गूगल फोटोज़ पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। आपको कभी भी डिलीट हो जाएगा तो ये गूगल फोटोज़ में जाकर सेव हो जाएगा। दोस्तों आगे आप क्या करेंगे, आपका जो जीमेल मैंने दिखाया था, सिंपल जैसे जीमेल को क्लिक कर लेना है। जो जीमेल आप यूज़ कर रहे हो, इस जीमेल को आपको क्या करना है, ध्यान से आपको याद कर लेना है। उसी जीमेल को आप कभी भी, आपका फ़ोन मतलब कुछ हो जाता है, खो जाता है या टूट जाता है, या कभी कभार कुछ आपका फ़ोन मतलब डेड हो जाएगा, तो आप दूसरे फ़ोन में जाके उसी जीमेल को आप जैसे लॉग इन करेंगे दोस्तों, उसी जीमेल को आप जैसे लॉग इन करेंगे दोस्तों, ये गूगल फोटोज़ में आपका पूरा फोटो रिकवर होगा। और पूरा जितने भी 10 साल 5 साल बाद भी आप रिकवर, आप इस जीमेल को खोलेंगे नया फ़ोन में, आप ये जीमेल को पासवर्ड वगैरह लगा के तो इसी जीमेल को आप खोल पाएंगे और पूरा फोटोज़ वगैरह आ जाएगा। और जितने भी फोटोज़ आप डाउनलोड वगैरह, इधर से मान लो एक फ़ोटो से आप 3 डॉट पर चले जाना है और ये डाउनलोड का बटन आ जाएगा, डाउनलोड वगैरह करके आप अपने आपके फ़ोन गैलरी के फाइल में मतलब आपके फोन के फोटोज पर रख पाओगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने इसे किया, और आप भी कुछ इसी प्रोसेस में कीजिए, 100% दोस्तों आपका भी जितने भी फोटोज वगैरह रिकवर कर पाओगे, फिर से आप बैकअप ले पाओगे। हाँ दोस्तों अपने सही सुना, दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग जबरदस्त वीडियो दोस्तों हमारे चैनल में मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।